नमस्कार, एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। थरवई थाना क्षेत्र में हुए हत्या के खुलासे पर क्षेत्रीय लोगों के ट्वीट पर भड़के प्रयागराज एसएसपी व कर डाला ऐसा फरमान जारी कि साथ ही साथ सभी ट्वीट को बता दिया फर्जी व भ्रामक। जी आपको बताते चले, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार जी का कहना है कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि कुछ चर्चित धुर नकारात्मक लोगों के ट्वीट के तथ्य नितांत भ्रामक एवं असत्य हैं। कृपया वो अपुष्ट तत्वों के आधार पर नकारात्मक एवं प्रसारण करने से परहेज करें। उन्हें सादर अवगत कराना है कि पीड़ित परिवार के श्री सुनील कुमार यादव की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई थी। मामला पूरी तरह ब्लाइंड था, अभियुक्त अज्ञात थे। इस ब्लाइंड में सनसनीखेज घटना का खुलासा एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। तत्काल गठित 7 तेज तर्रार टीमों के रात दिन मेहनत एवं कड़ी परिश्रम के बाद मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए अभियुक्त समेत इंटर स्टेट गैंग के अब तक के कुल 7 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुराचार के पुष्टिकरण का कोई साक्ष्य नहीं मिल सके हैं। इसकी पुष्टि हेतु वेजाइनल स्लाइड एवं वेजाइनल इस्बाब आदि पदार्थों के वैज्ञानिक विश्लेषण तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। अब रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें दुराचार की पुष्टि होने पर सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए तफ्तीश जारी है। साथ ही डीएनए मिलान की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अकाट सबूतों के हासिल करने के बाद सभी दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। यह सभी श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ बातें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज महोदय जी का कहना है। आपको बताते चले, 5 लोगों के हत्या का सनसनीखेज खुलासा 15 दिन के अंदर प्रयागराज पुलिस ने कर दिया था और 7 लोगों को अपराधी बना दिया, किंतु ऐसे सवाल अब भी शेष रह गए हैं जो प्रयागराज पुलिस के ऊपर और घटना के खुलासे के ऊपर कई सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का, आइए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से क्राइम हेड डिपार्टमेंट शिवम त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। ये विगत दिनों में थाना थरवई क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की मृत्यु कारित की गई थी। उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके 7 टीमें लगाई गई थी। इन 7 टीमों ने दिन रात अथक परिश्रम करके एक इंटर स्टेट हत्यारे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया, जिसके कुल 7 डकैत गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 3 डकैतों के से पुलिस मुठभेड़ हुई थी और उनके पैर में गोलियां भी लगी थी। वो सभी को जेल भेजा गया था। इसी अनुक्रम में जो वैजानिल स्लाइड और स्वाब FSL फाफा में वो भेजे गए थे, उसकी जांच रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि हुई है। आपको अवगत कराना है कि पकड़े गए बदमाशों ने ये बात कबूली थी कि उनके द्वारा दुराचार भी किया जाता रहा है, दुराचार किया भी गया था थरवई वाले केस में। और उसी के तारतम्य में जो FSL फाफामऊ की रिपोर्ट आई है, उसमें मानववीर पाया गया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है दुराचार की, और उसी रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धारा जो 376 की धाराएं हैं, 376D की बढ़ोतरी की गई है। मामले में 396 की धारा लगाई गई है, 120B 201 की धारा भी लगाई गई है, आगजनी से संबंधित 436 IPC की भी धारा बढ़ाई गई है। तो जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं, सभी की बढ़ोतरी करते हुए सभी अपराधियों को इसमें जेल भेजने की कार्रवाई करने के उपरांत, अब जेल में बंद जो अभियुक्त हैं, माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उन ब्लड सैंपल के DNA को निकालते हुए जो वेजाइनल स्लाइड से DNA डेवलप हो रहे हैं, उनसे मिलान करवा करके अकाट्य सबूत हासिल किया जाएगा, ताकि माननीय न्यायालय के द्वारा इनको कठोर से कठोर सज़ा पुलिस के द्वारा दिलाई जाए और लोगों को न्याय मिल सके। सैंपल कब से मिलेगा? माननीय न्यायालय में अर्जी डाली गई है, उनकी अनुमति के उपरांत 9 मई का दिन मुकर्रर हुआ है, जब इन अभियुक्तों के ब्लड सैंपल लेकर के विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, ताकि DNA मिलान की कार्रवाई करके अकाट्य सबूत हासिल किया जा सके। ये आरोपी का मृतक महिला, उनके बयान के अनुसार वो जब मरणासन हालत में पहुंचा देते हैं, उसके दौरान ये दुराचार करते हैं, ताकि इनको कोई बाधा ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो ये पूरी संभावना है कि मरणासन या मृत अवस्था में ही इनके द्वारा दुराचार किया गया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आज हम क्राइम के उस घटना पर वार्ता करेंगे जो घटना आज के लगभग 12 से 15 दिन पहले घटी हुई थी,
और उस घटना का खुलासा प्रयागराज पुलिस कर चुका है 2 दिन पहले। जी हाँ, चर्चित घटना थरवई थाना क्षेत्र, और मैं अभी संयोग ही है ये कि आज मैं थरवई थाने पे हूँ, और थरवई थाना आप देख रहे हैं ग्राउंड है ये, और इसी थाने के अंतर्गत वाला खबराजपुर वह चर्चित हत्या था, और उस हत्या में 5 लोगों की मौत हुई थी, मतलब सीधे 5 लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। एक और बड़ी बात बता दें, उसमें एक ऐसी महिला की मौत हुई थी जो गर्भवती थी 6 महीने की। इस प्रकार से देखें तो वह 6 लोगों की हत्या थी। उस हत्या पे प्रयागराज पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर था कि उसको खुलासा कर देना पड़ा। खैर, पुलिस तो ठहरी पुलिस, अपने पे आ जाए तो धरातल से भी अपराधी निकाल ही लेती है, और हुआ भी वैसे ही। और उसमें प्रयागराज SSP अजय कुमार जी, साथ ही साथ आईजी प्रयागराज राकेश सिंह जी, और ADG साहब 3 साल से प्रयागराज में बने हुए हैं प्रेम प्रकाश जी, इन सब के ऐसी चली कि शीघ्र ही घटना का खुलासा हो गया। अब बात यह उठने लगी कि जो खुलासा हुआ क्या वह सच है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम जैसे पत्रकारों ने किए तो उसके जवाब महोदय ADG साहब भी नहीं दे पाए। सही साथियों, घटना का खुलासा हो गया, 10 पन्ने का एक बेहतरीन प्रेस नोट जारी कर दिया गया, 7 लोग गिरफ्तार दिखाए गए, साथ ही साथ 3 लोगों के पैर में गोली लगी और चिकित्सकीय सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, प्रशासनिक सुविधा दवा के माध्यम से वह अपराधी ले रहे हैं। एक महिला भी शामिल थी, और अभी पता तो ये है कि 6 लोग फरार हैं। यह 6 लोग कब पकड़े जाएंगे यह भी एक सवाल है। उससे पहले सवाल इस घटना पे कि घटना वास्तव में सच खुलासा हुआ या फिर नहीं, अगर यह बात की जाए तो सवाल कुछ ऐसे हैं जो सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बिल्कुल, आप सच को जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएं, जब ADG साहब से पूछा गया कि महोदय ये बताएं कि अपराधी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, उन्होंने बहुत ही मुस्कुरा कर जवाब दिया, बिल्कुल अपराधी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, किंतु घटना को अंजाम देने से पहले मोबाइल अपने डेरे पर रख देते थे। तो दूसरा सवाल इसी पे यह उठ गया कि जब मोबाइल सक्रिय था तो यहाँ के क्राइम और साइबर सेल क्या कर रही थी? इतने 6-7 महीनों से हत्याओं का दौर बढ़ा था, गंगा पार यमुना पार शहर, और 21 हत्याएं को अंजाम ये लोग दे चुके हैं, ऐसा प्रयागराज पुलिस का कहना है, तो फिर इनको पकड़ा क्यों नहीं गया? साथ ही साथ सवाल नंबर 3 यह है कि इस घटना पे एक थापामाऊ घटना का खुलासा कुछ महीनों पहले ADG साहब ने किए थे। उस समय एक शहद बेचने वाले व्यक्ति को प्रयागराज पुलिस की टीम गिरफ्तार कर खुलासे की बात की थी, और जवाब में यह कहा गया यह एक लड़की से चैट करता था जिस लड़की की भी मौत हुई थी, और अंतिम चैट में कुछ ऐसे शब्द थे जो मैं आपको कैमरे पर नहीं बता सकता, तो उस अंतिम शब्द के कारण स्पष्ट हो गया कि उसके बाद ही उसकी मौत हो गई। इस कारण ही उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और जब यही सवाल उस दिन पत्रकारों ने खुलासे में पूछा कि महोदय क्या वो छूट जाएगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, इसके ऊपर जो कार्यवाही हुई है उसको तरीके से हटाया जाएगा और इसको यथाशीघ्र बाहर किया जाएगा। सवाल यह उठता है उसमें से कुछ अपराधी बाहर हो भी गए हैं, किंतु सबसे बड़ी बात ऐसे ही अचानक अपराधियों को गिरफ्तार जाएगा और गिरफ्तार किए जेल में डाल दिया जाएगा, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके परिवार के जन क्या करेंगे, यह चिंता का विषय है। क्या ऐसे ही घटना का खुलासा होता रहेगा? क्या परिजन संतुष्ट हैं? हम मिलवाएंगे सुनील यादव से भी, वो सुनील यादव का क्या कहना है, क्या वो इस घटना के खुलासे से संतुष्ट हैं? ऐसे ही फाफामऊ में हुआ था, ऐसे ही घोरी में हुआ था, ऐसे ही नवाबगंज में हुआ था, परिजन असंतुष्ट हैं, प्रयागराज पुलिस खुलासे करके मस्त है, पुरस्कार लेने में मस्त है, अभी भी जो अपराधी फरार हैं उनके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार है, जब भी खुलासा होगा निश्चित 50,000 मिलेगा, किंतु सही होगा, सही पकड़े जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। एक सवाल और बता दें, ADG साहब ने से जब पत्रकारों ने कहा कि इनके मुंह को खुलवा लिया जाए क्योंकि अब ये नाबालिग नहीं है, तो ठीक है, महिला थी, महिला का मुंह ढकवा देना चाहिए, किंतु अपराधियों का मुंह नहीं खुला। ADG साहब ने कहा कि कुछ एविडेंस को नुकसान हो सकता है, तो यह भी एक बड़ा सवाल है, आखिर वह कौन सा एविडेंस है
जिसको नुकसान हो सकता था अपराधियों का मुंह खुलवाने से। हम बताएंगे इस घटना से जुड़े और भी राज, आप बने रहें प्रयाग एक्सप्रेस के साथ। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए ब्रिज खान सिंह यादव के साथ क्राइम डिपार्टमेंट हेड शिवम नंदन त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़, आपकी खबर हमारी नज़र।